अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एफ के आर्ट्स एंड क्राफ्ट। मैं फोजिया कंवल आज आप लोगों को इटालियन डो से बहुत ही खूबसूरत कलरफुल फ्लावर बनाना बताऊंगी। ये आप दो टाइप में यूज कर सकती हैं, एक ज्वेलरी के लिए और बहुत सारे डिफरेंट कलर दो शेड में हम बनाएंगे फ्लावर, येलो ऑरेंज, शॉकिंग पिंक येलो, अकॉर्डिंग टू योर ड्रेस ज्वेलरी के हिसाब से आप इसमें कलर बना सकती हैं। और अगर आप एज अ डेकोरेशन पीस बड़े फ्लावर्स बनाएंगी तो ये उसमें भी यूज हो सकता है वायर लगा के। तो फिर आइए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। कलरफुल फ्लावर्स बनाने के लिए हमने तीन कलर में डो लिया है, ऑरेंज, मरजंडा और येलो कलर में। ये देखिए, हम मैंने येलो और मरजंडा कलर में फ्लावर बनाया है और मरजंडा और येलो कलर में और ऑरेंज और मरजंडा में। आप अकॉर्डिंग टू योर ड्रेस आप बना सकती हैं। इसके अलावा सीजर्स चाहिए हमें, ये टूल चाहिए हमें, इटालियन डो का टूल है। हमें इस बैक साइड से ज़्यादा वर्क है और ये पॉइंटेड से भी हम करेंगे, लेकिन आज हमें इस बैक साइड का ज़्यादा वर्क है इस फ्लावर बनाने के लिए। टूथपिक चाहिए, टूथपिक आप चीप ले सकते हैं, इतने एक्सपेंसिव लेने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही सस्ते मुझे 10 रुपीस में इतने सारे टूथपिक मिल गए। उसके अलावा फोम या कोई एक चीज़ जिस पे हम स्टैंड कर सकें इसको। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम डो से स्मॉल बॉल बनाएंगे, आपकी मर्जी, इसका साइज आप कुछ भी रख सकती हैं। ये देखिए, मैं टाइनी फ्लावर बना रही हूँ ज्वेलरी के लिए, इसलिए मैंने छोटा बॉल लिया है और छोटे साइज में हम इसको बनाएंगे। फिर अलग से डिफरेंट कलर में हम जिस कलर का बॉल होगा उससे अलग हटके कलर का हम डो लेंगे। और इसको देखिए किस तरह से मैं थिन लेयर करके इसको रैप कर रही हूँ। दो कलर में ये कलरफुल फ्लावर्स बनते हैं, इसलिए मैंने दो कलर में ये लिया है, मरजंडा और ऑरेंज। अब हम मरजंडा बॉल है तो मैं ऑरेंज लेयर दूंगी इसका और इसको थिन लेयर करूंगी और फिर ये बॉल उसमें हम रैप कर देंगे। लास्ट वीडियो में आपको मैंने ऐसे ही तरीके से एक फ्लावर बताया था, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए इस प्रोसीजर में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। और ये येलो है बॉल, तो येलो के लिए हम ऑरेंज लेयर देंगे, थिन लेयर करेंगे और फिर येलो को रैप कर देंगे। कलरफुल फ्लावर बनाने के लिए पहले हमें अपने टूल को ग्रीस करना होगा पेट्रोलियम जेली से, ताकि इटालियन डो में स्टिक ना हो। टूथपिक को भी ग्रीस करना है, उसके साथ सीजर्स को भी। ग्रीस करने के बाद इस हम स्मॉल टाइनी बॉल को पहले हम ड्रॉप की शेप देंगे। ड्रॉप मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ ड्रॉप बनाना। अब हम टूल को हेल्प से सेंटर में इंसर्ट करेंगे, लेकिन ये टूल का बैक साइड है जो थोड़ा सा मोटा है, पूरे डीप इंसर्ट नहीं करेंगे, थोड़ा सा इंसर्ट करके अपने मिडिल फिंगर पे रख के इसको टर्न करते जाएंगे। ये खुद ब खुद ही थिन लेयर निकलता चला जाएगा ड्रॉप से और फिर हम इसकी 6 पेटल कट कर लेंगे। जब हम 6 पेटल इसके कट करेंगे तो देखिएगा आप अंदर से वो कलर निकलेगा जो हमने बॉल अंदर इंसर्ट किया था, रैप किया था, और फिर इसको शेप देंगे। मैं आप लोगों को कई बार बता चुकी हूँ कि अगर हम पेटल को बैक साइड से टर्न करेंगे तो पॉइंटेड पेटल बनेगा। ये आज हम कलरफुल फ्लावर बनाने के लिए इसको ऊपर की तरफ टर्न करेंगे, दोनों फिंगर की हेल्प से टर्न करेंगे तो ये डिफरेंट पेटल का शेप बनेगा। और फिर हम इसको शेप देंगे और टूथपिक पे बैक साइड से इंसर्ट करके हम इसको उल्टा करके रख देंगे। और अगर आप सुबह बना रही हैं तो शाम में, अगर आप रात में बना रही हैं तो होल नाइट रख के फिर आप निकाल दीजिएगा, क्योंकि हमें सिर्फ इसके पेटल को सेट करने के लिए हमें टूथपिक पे इसको रखना है होल नाइट, फिर जो बाकी नीचे बचेगा हम इसको कटिंग कर लेंगे। इस तरह इसको रख दीजिए। होल नाइट फ्लावर रखने के बाद हम टूथपिक से निकाल लेंगे इसको। टूथपिक पे इसीलिए ग्रीस किया जाता है ताकि इजीली ये निकल जाए। फिर इसके बैक साइड से हम कट कर लेंगे क्योंकि हम ज्वेलरी के लिए बना रहे हैं। अगर आप ज्वेलरी के लिए नहीं, बड़े फ्लावर्स बना रही हैं,
तो फिर आप पहले वायर में ग्लू लगाएंगे, ग्लू लगाने के बाद हम ये फ्लावर उसमें इंसर्ट कर देंगे, फिर बैक करके हमें रखना नहीं पड़ेगा और फिर वायर में ही ये फ्लावर रखा रहेगा। लेकिन हम ज्वेलरी के लिए बना रहे हैं तो टूथपिक को ग्रीस करेंगे और फिर इसको 8 to 10 hours के बाद निकाल के कट कर देंगे बैक साइड से। सूट के साथ आप बना सकती हैं। इस फ्लावर को मैं अरेंज करना ही बताऊंगी किसी ज्वेलरी पे, तो उसमें मैं स्टोन लगा के बताऊंगी कि स्टोन लगाते हैं हम फिर तो हमारी ज्वेलरी कितनी एलिगेंट लगती है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल बटन को जरूर क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर आऊंगी। थैंक यू वेरी मच।